वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि गाइस मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड किए जा रहा हूँ। घर से आने के बाद मैं कभी कभार ऐसा भी हो रहा है कि दिन में दो वीडियो भी अपलोड हो रही है, और फिलहाल तो मेरा एक ही वीडियो का टारगेट है कि दिन में एक ही वीडियो लेके चलूँ। लेकिन गाइस जो आज का जो वीडियो है बड़ा अर्जेंटली मेरे माइंड में आया कि ये वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, तो आज ये सेकेंड वीडियो भी मैं अभी बना के अभी थोड़ी देर में मैं पोस्ट भी कर दूंगा इसको। और आसपास जो काफ़ी शोर शराब हो रहा है, बाहर के मकान का काम चल रहा है, तो आवाज़ें आ रही है, तो नेगलेक्ट करें इन चीज़ों को, फॉरगेट। तो गाइज आज का जो वीडियो है जो मेरे चैनल से रिलेटेड है कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये इनसे थोड़ा रिलेटेड नहीं है। ये जो आज टॉपिक है ये मैंने आपको थंबनेल में भी देखा होगा आपने कि राजस्थान में एक योजना चल रही है गाइज, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। गाइज ये योजना पिछले जुलाई से स्टार्ट हुई थी और जुलाई से इसमें पेमेंट कटौती हो रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हो रही है और एक तरह से देखा जाए तो गाइज इसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि कुछ एक नेगेटिव बात लगनी चाहिए कि यार मेरा OPD IPD बैलेंस इसमें अपडेट नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं है, उन चीज़ों को वो देख के हम पैसा कटा रहे हैं हमें इतनी। अरे थोड़ा सा सब्र करो यार, ज़िंदगी भर के लिए आपको योजना निकाली है तो योजना का फ़ायदा ये तो नहीं है कि आज सारा लाभ ले लोगे आप, थोड़ा सा तो वेट कर ही सकते हो ना। हो सक आगे जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि चलो नहीं बताता मैं, ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करता कि हो सकता है मेरे को ऑफिस में कोई दिक्कत आ जाए फिर, तो ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैं यूँ बताना चाह रहा हूँ आपको गाइस कि आपके जो भी समस्याएं आ रही हैं RGHS से रिलेटेड, आपको जो भी समस्या है, मेरे को पता है कि काफ़ी सारे लगभग 70% लोगों को ये समस्या हो रही है कि OPD IPD बैलेंस का अपडेट नहीं हो रहा, जिनका OPD में बैलेंस अपडेट करवाना वो नहीं हो रहा, IPD में बैलेंस अपडेट करवाना वो नहीं हो रहा, बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन उनके पास क्या है कि अभी OPD बैलेंस ख़त्म हो गया तो उनको दिक्कत आ रही है, वो बढ़वाने के लिए उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, SSO से कर दिया, उन्होंने मेल भी कर दिया लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन उसके लिए भी गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जो डेली का डाटा कवर है ना वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कर्मचारी लिमिटेड कर्मचारी है, तो कुछ लिमिटेड कर्मचारियों में पूरे राजस्थान का लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% लोगों की समस्या आ रही है। और यह समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादातर हो रही है जिन्होंने जो अपना एरियर के रूप में पेमेंट कटवाया, जैसे कि जुलाई से उन्होंने पेमेंट ना कटवा कर उनको ना कटा उनका, और उनका जो क्या है कि अगस्त माफ़ी चाहूँगा ये सितंबर अक्टूबर या दिसंबर या जनवरी से उनका एरियर के रूप में जो पेमेंट कटा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एरियर में जो जिनका पेमेंट कटा है उनके ये ज़्यादातर समस्याएं हो रही है। किसी का आ रहा है कि किसी की क्यूरी ये भी आ रही है कि इसमें क्या होता है कि क्या नाम इसका कैटेगरी का आ रहा है, किसी का जुडिशियल आ रहा है, किसी का सब एम्प्लॉय आ रहा है, किसी का सर्विंग एम्प्लॉय आ रहा है, किसी का 2004 के बाद आ रहा है, किसी का 2004 के पहले आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएं अभी चल रही है प्रेजेंट में। इसके लिए तो गवर्नमेंट के द्वारा जो गहलोत साहब के द्वारा है बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है कि CM हेल्पलाइन है जो कि 181, तो 181 CM हेल्पलाइन पे आप कॉल करके डायरेक्ट, कई लोग ऐसे होते हैं गाइस कि 181 पे कॉल करके उनसे उनको उनसे बहस करते हैं कि आप ये करो आप ये करो, जबकि उनसे कोई रिलेटेड ही नहीं है। 181 से कोई 181 ये भी नहीं जानता कि RGHS में होता क्या है, RGHS के क्या इसमें प्रोसेस है क्या है, उनका कुछ मतलब नहीं। बस उनके द्वारा एक कॉल प्रोसेस होता है कि वहाँ से कॉल जाएगी RGHS डिपार्टमेंट में, वहाँ से जो कर्मचारी बैठे होते हैं मेल के लिए अलग कर्मचारी होते हैं, जो OPD IPD बैलेंस अपडेट करना उसके लिए अलग कर्मचारी बैठे हैं, अपडेट करने के लिए जैसे कि कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाफ है, अलग अलग स्टाफ बैठा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बर्डन बहुत ज़्यादा है कि यार इतना सारा काम होता है, कई इतना सारा एक्सेल पे काम बहुत ज़्यादा है कि इतना अपडेट करो, इन लोगों को अपडेट करना, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए अपडेट नहीं हो रहा है। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है गाइस अभी कि आपको मैं मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, यहाँ से आपको मिल भी जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेल आईडी सबसे पहले आप नोट कर रहे हैं कि helpdesk.rghs@rajasthan.gov गवर्नमेंट वाला gov.in, एक मेल आईडी ये हो गया। एक मेल आईडी है गाइस आपका जो कि आप अगर आप सर्विस में हैं, ऑन सर्विस आपने ड्यूटी है तो एक सर्विस का मेल आईडी अलग से है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, helpd.serving.rghs@rajasthan.gov.in। और जो पेंशनर है उनके लिए अलग से पेंशनर वाली आईडी है,
helped.pensioner.rghs@rajasthan.gov.in इस पे आप जरूर मेल कर दीजिएगा, आपको मेल का जवाब भी मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कर्मचारी लिमिटेड है, तो हर एक मेल का वापस से जवाब आना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई अर्जेंट होता है तो अर्जेंट के लिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीएम हेल्पलाइन है 181 दिख रहा होगा, 181 पे कॉल करें बिना कोई आर्ग्यूमेंट्स के, बिना कोई उनसे बहस किए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि हमारी कॉल जो है आरजीएचएस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करनी है। वो बिना कुछ बोले आपकी कॉल को है आपकी कॉल आरजीएचएस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। वहां से जब बात होगी आपकी तो वहां बिना कुछ बहस किए आपका अपना मेल आईडी वगैरह अगर आपने नहीं किया तो मेल आईडी इन तीनों में से किसी पे भी आप मेल कर सकते हैं, चाहे पेंशनर हो या सर्विस में हो, इन तीनों में से भी आप किसी पे भी मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद आपको अपनी क्वेरी नोट करवानी है और हो सके तो उनसे पोलाइटली तरीके से बात करें ताकि वो आपका काम जल्दी करवा दे। ये ना भूले गाइस कि अगर आप उनसे अगर बहस करते हो तो वो आपका काम नहीं करवाएंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि सारा कुछ उनके हाथ में होता है, वो नहीं करवाएंगे। वो आपके सामने बोल तो देंगे क्योंकि ऑन कॉल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, तो वो ऑन कॉल बोल तो देंगे लेकिन वो नहीं करेंगे। आपको उनसे पोलाइट तरीके से बात करनी है और अपना काम निकलवाना अपने को है, तो आप अपनी जो भी क्यूरी वो पूछते हैं उन्हें नोट करा। अगर आप उनसे अगर उनको ये बताएंगे ना, उनको फील होता है ना कि यार ये बंदा जेन्यून है और उसको भी ज़रूरत है, तो वो अर्जेंटली आपका काम भी करवा सकता है, वो अर्जेंटली आपका काम भी करवा सकता है। और अर्जेंटली आप उसे बोलोगे ना तो वो आपका 10 मिनट या आधा घंटे में अपडेट करवा देगा उस चीज़ को। बाकी अगर आपका इतना ज़रूरत नहीं है, ओपीडी आईपीडी बैलेंस या आपका प्रोफाइल में अपडेट नाम डेट ऑफ बर्थ या फोटो नहीं आ रहा या कैटेगरी चेंज करवानी है आपका पति आपका बीवी का मैडम का या बच्चों का, अगर किसी का फोटो वगैरह नाम गलत आ रहा है या फोटो वगैरह नहीं आ रहा है, फैमिली में से किसी को अटैच करवाना नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अगर इनकी अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं होती है तो ले इनके लिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी मेल हमारे पास जैसे ही आपकी मेल पहुँचती है डिपार्टमेंट में, तो जैसे मेल जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका मेल ही दिखेगा, ज़रूरी नहीं, आपसे ऊपर भी कहीं होते हैं, आपके नीचे भी कई सारी मेल होती है। तो मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग डेज होता है, इसी के अंतर्गत आपका कार्रवाई जो मेल है वो अटैच कर दी जाएगी और जिनका मेल जो रह जाता है वो पेंडिंग में चला जाता है। अब गाइस आपको करना क्या है, अगर आपको पेंडिंग में चला जाता है तो आपको मंडे, अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो मंडे टू मंडे आप एक मेल करें, मंडे टू मंडे करें। और सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप सब्जेक्ट में क्या डाल रहे हो। अगर आपका ओपीडी आईपीडी बैलेंस है तो ओपीडी बैलेंस अपडेट, ओपीडी बैलेंस बढ़वाना तो ओपीडी बैलेंस इंक्रीज, नाम चेंज करवाना तो नाम। सब्जेक्ट जो आप मेल में चूज करोगे ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, क्योंकि आपको सेलेक्ट करके वो देखा जाता है कहाँ कहाँ भेजनी है, अलग अलग सभी के लिए अलग अलग बैठे हुए कर्मचारी बैलेंस बढ़वाने के लिए अलग से हैं और नाम चेंज वगैरह के लिए अपडेशन के लिए अलग से हैं और जो भी है काफ़ी सारे अलग अलग कर्मचारी जो स्टाफ है वो अलग अलग तरीके से बैठता है। तो और जिनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि उनका नहीं आ रहा, तो वो ऑफिस में आकर संपर्क कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऑफिस का एड्रेस है जनपद वित्त भवन, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें तो बिल्कुल कार्यवाही कर दी जाएगी। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है, रेयर केस हो रहा है, तो आप मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप नोट करें उस पर मेल कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को अर्जेंट समस्या आ गई तो वहाँ से वो करवा दिया जाएगा बिल्कुल गाइस। तो मेरा यही से सभी से अनुरोध है कि, और आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जिनका भी ओपीडी आईपीडी बैलेंस में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो उन लोगों के लिए गाइस मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि एक बार मेल ज़रूर कर देना, क्योंकि ये फरवरी माह में ही सारा डाटा क्लियर कर दिया जाएगा। सारे फरवरी का जो महीना है 28 तारीख, आज 23 हो गई मेरे ख्याल से, 23 तारीख हो गई आज, तो 5 दिन या 3-4 दिन के अंतर्गत, 5-6 दिन हो गए जो भी है, 5 दिन है तो 5 दिन है, तो इसके अंतर्गत आप अपना मेल ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि अब फरवरी में जो सारा डाटा जिनका भी क्लियर दिख रहा है ना, वो सारा एक बार मेल जिनका मेल है ना, वो सारा मेल वाला डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस डाला है कि ऑटोमेटिकली उसमें कर दिया जाएगा जिनका मेल है। तो एक बार मेल ज़रूर कर दीजिएगा आप, और ज़्यादा परेशानी आ रही है तो सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करें, कॉल ट्रांसफर करवाएं, वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपको सीएम हेल्पलाइन पर। ओके गाइस, तो बस यही मेरा पर्पज़ है। और अगर किसी को ज़्यादा अर्जेंट समस्या आ रही है तो मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से मेल कर दीजिएगा, मैं वहाँ से अटैच कर लूँगा उसको। थैंक यू गाइस। बाकी मेरा ये वीडियो टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार लोगों को परेशानी आ रही है, तो मैं ऐसा हूँ कि अगर मेरे से रिलेटेड अगर कोई काम है, अगर वो उसमें जाके फंस रहा है, तो मैं कतई नहीं चाहता कि लोग परेशान हों। मेरे से जितना होता है मैं काम करूँगा, और बिल्कुल काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे।
और बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो बनाए रखें। धन्यवाद।